अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अफशादे बोल रहा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ स्टाइल अफशादे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँगा, तो फ्रेंड आप जैसे कि देख सकते हैं महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है आस्ता आस्ता। अभी तो थोड़ी का डॉलर कम हो गया है थोड़ा सा, मतलब के फोन सस्ते हो रहे हैं और भी कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं, पर फिर भी इतनी सस्ती नहीं आई हुई। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि बताया बहुत ऐसा महंगाई भी रही, अभी भी थोड़ी बहुत महंगाई है। तो मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, हर चीज़ है उसके पास। मैंने एक वीडियो देखी थी, मुबशर सदीक नाम का यूट्यूबर है, वो भी फूड वगैरह की, फूड व्लॉगिंग भी, और जैनुलाबदीन के उसके छोटा भाई या शायद उनका भी यूट्यूब चैनल है। मैंने उनकी वीडियो देखी थी भाई, वो बलूचिस्तान, अभी तो थोड़ी पुरानी होगी मुझे सही से याद नहीं, पर मुझे इतना थोड़ा बहुत पता है वो शायद बलूचिस्तान साइड पे गए थे। वहाँ में भाई उन्होंने पेट्रोल डीजल उन्होंने ढूंढा है, डीजल ढूंढा है, गैस ढूंढिया, जो पता नहीं सदियों से वो गैस निकल गया, उसके आग निकल गया, उसमें से आग मार लिया। सदियों से इतनी गैस है भाई, इतनी गैस है हमारे पास, इतनी गैस है, डीजल है, ग्रेफाइट है हमारे पास, नमक के पास। अब खे मैंने अपनी स्कूल पे ट्रिप पे गया था, खेवड़ा गया था मैं। वहाँ पे जब वो बस जा रही थी ना कोस्टर, वो साथ साथ बता रहे थे भाई ये पहाड़ है, ये सारे पहाड़ है, इसके नमक है, सारा नमक, सारा बहुत वो नमक है हमारे पास, बेतहाशा नमक है, हम क्यों नहीं उसको निकाले, हम क्यों नहीं उसको निकाल, हम निकाल लें। हम एक बार मैं वहां पे एक गार भी है छोटी सारी, उसके अंदर जाए तो वो मनारे पाकिस्तान जाए लाहौर नहीं है, वैसा ही छोटा सारा वहां पे मनारे पाकिस्तान बना हुआ था नमक का, इतना प्यारा था वो, लाइटें शाइटें लगी हुई थी। मुझे बहुत खुशी हुई भाई, पाकिस्तान में भी ये सब है। पत्थर नहीं होते पत्थर, वो अक्सर अंगूठियों में डाले, अंगूठी के ऊपर लगे होते हैं, कलरफुल पत्थर होते हैं, वो भी बहुत बाहर के मुल्कों में तो वो बहुत खरीदते हैं, पसंद करते हैं। तुर्की वगैरह में अक्सर, तुर्की में भी वो इम्पोर्ट कर सकते हैं हम, इतना पत्थर है हमारा, नमक है, ग्रेफाइट है, अरे भाई डीजल है, गैस है, हर चीज़ है पाकिस्तान के पास, हम क्यों नहीं उसको निकाल के बेच रहे। हम दूसरे मुल्क के यूरोप से खरीदते हैं, हम खरीदते हैं भाई, हमारे पास ये हम खरीदते हैं जरूरत के लिए, हम अपने मुल्क से क्यों, अगर वो हमें बेच सकते हैं हम क्यों नहीं उनको बेच सकते, बताएं मुझे। हर चीज में पैसा है भाई, हर चीज में। अगर एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी, तोते नहीं होते, हमने भी पाले हुए हैं तोते, हमने मेरे छोटे भाई की वीडियो देखी होगी जहांगीर जनरल के नाम से, वो तोते की शार्ट वगैरह एक दिन उसने व्लॉग भी कल परसों डाला था, 1 मिनट का था या 1 मिनट 57 सेकंड का था, तो वगैरह फिंचे हमने भी रखे हो, पर उसने अभी तक अंडे वगैरह नहीं दिए, इंशाल्लाह दे देंगी। पर हर चीज में पैसा भाई, हर चीज में, तोतों में भी है, खरगोश खरगोश में भी है, हर चीज में, हम मीट उनका बेच सकते हैं, हम तोतों तो है एक बार बेचे थे, एक्सपोर्ट किए थे हमने, हम उनसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ये बताएं। हर चीज है हमारे पास, हम इतने इतने फार्मर है, बहुत ज्यादा ज्यादा 800 रुपये जो से छोटे बजीज लाबर्ड वो बिकते हैं बहुत ज्यादा। तो भाई एक बार नवीद शेख की वीडियो देखी है मैंने, तकरीबन 1 साल पुरानी होगी मैंने देखी है, उसने उन्होंने ना वीडियो बनाई थी, एक
10,000 बर्ड एक्सपोर्ट के नाम से वीडियो बनाई थी। बताऊंगा उन्होंने वीडियो भाई बनाई थी कि वो ना जो से पैरट्स नहीं होते तोते, वो जो से क्या बोलूं उनको, डब्बे टाइप या पिंजरे छोटे इतने इतने से तकरीबन, और इतने जो से लंबे थे और इतनी उनकी ऊंचाई थी, उसमें पता नहीं कितने 10,000 के ऊपर टाइटल लिखा हुआ 10,000 तोते। उन्होंने छोटे छोटे बजरी के भी थे और गुड़ों में के भी थे, रबड़ की कुछ मोटेसनेसी थोड़ी बहुत, 10,000 जानते हैं आप कितना नंबर होता है, उन्होंने एक्सपोर्ट किया था। देखें आप इन हर चीज में पैसा, भाई हम क्यों नहीं मेहनत करते। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।